क्या सुनने के लिए आई है? क्या सुनने के लिए आए हैं? किनका भाषण सुनने के लिए आई है? राहुल गांधी। राम मंदिर किनको बनाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी क्यों? इसलिए कि देश को बनाना है, अच्छा ना है, इसीलिए मैं बनाना चाहता हूँ राहुल गांधी को नेता। राहुल गांधी ने हमारे पूरे गरीबों का, किसानों मजदूरों का कर्ज माफ किया है और राहुल गांधी गरीबों का नेता है। नेता है, गरीबों का नेता है राहुल गांधी। हम लोग का बोला ना, बोले ना। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं जनाब? मैं मीरा कुमार, एक्स लोकसभा स्पीकर। जी जी, मैं उनके क्षेत्र से हूँ, कैमूर से। मैं आया हूँ इस सभा में शामिल होने के लिए। हमारे नेता का जी भी मैंने नाम सुना, तेजस्वी जी भी इसमें शरीक हो रहे हैं, इसलिए मैं इसमें भाग लेने के लिए आया हूँ। पार्टी से आप? मैं आरजेडी का जो है जनरल सेक्रेटरी हूँ पूरे बिहार का, आसिफ जमा खान, कैमूर से बिलोंग करता हूँ। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाह रहे हैं हम लोग कि देख लीजिए, जो है मोदी जी के और नीतीश कुमार के जो है शासन से सारा बिहार और पूरा देश जो है एकदम जो है अवॉइड हो गया है, और सारी जनता जो है एकदम जो है पटना को पाट दिया है, और इस सरकार दोनों नीतीश कुमार और केंद्र सरकार को उखाड़ करके फेंक देने के लिए संकल्प लिया जनता, इसलिए पूरा पटना आज पट जाएगा। महागठबंधन के सारे लोग आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइए जनाब। मेरा नाम हुआ सर मोहम्मद रिजवान अहमदा। हम कांग्रेस पार्टी के ग्रास रूट वर्कर हैं और खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी से हम आए हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी। आज कहने की जरूरत है ये हुजूर की ऐसी रैली आज तक नहीं हुई इस मुल्क हिंदुस्तान में। इतनी अपार भीड़, समाज के सभी तबके के लोग इसमें हैं, मजदूर, किसान, मेहनत का तमाम, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, व्यापारी और समाज के सभी वर्ग के लोग जो हैं आज हैं। और ये इतनी बड़ी रैली है, इतनी विशाल रैली है जिसका बहुत ज़्यादा इस प्रदेश पे असर है, जैसा कि पटना में देखने को मिल रहा है। और हर तबके से लोग आ रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था में मोदी सरकार से समाज का सभी तबका नाराज़ है और वो चाहता है कि कांग्रेस के झंडे में आकर के हम अपने समस्या का समाधान ही नहीं करें बल्कि देश को भी मजबूत करें। और सारे लोग कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे हैं, पवित्र महागठबंधन के नीचे हैं। हम सब सभी औरत, मर्द, छोटे बच्चे, मेहनत का तमाम राहुल जी के भाषण को सुनने आए और राहुल जी के नेतृत्व में देश का सभी तबका आस्था रखता है। हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राहुल जी के साथ हैं, इसीलिए आज ये रैली ये बतला देगी कि हम लोगों की सोच क्या होगी। ये इस रैली इस बात की गवाही देगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब सभी मीडिया भाइयों का मैं खरबकदम करता हूं और सभी आए हुए मेहमानों का भी मैं पटना के ऐतिहासिक इनकलाबी और पटना की क्रांतिकारी धरती पर सबों का मैं खरमकदम करता हूं। धन्यवाद। मोहम्मद रिजवान अहमद, वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता, जिला खगड़िया से। महिलाओं की एक ही पसंद है, यहाँ पर देख सकते हैं। किनको पसंद करना चाहते हैं ज्यादा? सोनिया गांधी। नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? सोनिया, राहुल गांधी। राहुल गांधी, आप बताइए। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। प्रधानमंत्री किनको बनाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। ये अभी जो सरकार नरेंद्र मोदी का, क्या काम नहीं किए? नहीं, किसान हितैषी नहीं है, वो किसान विरोधी है ये सरकार। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ इकबाल हुआ। आप कहाँ से आए हैं? मैं वही मधुबनी जिला से हूँ। किनका भाषण सुनने आए यहाँ? कांग्रेस का भाषण सुनने आए भाई, राहुल गांधी का। राहुल गांधी को देखे हैं जी? अभी तो नहीं देखे, जाएंगे तो मंच पर जाके। मंच पर आप जाएंगे जी? अच्छा। देखेंगे जाकर कि क्या कब बोलता है, क्या नहीं बोलता है, गरीब के हित में, बस यही बोलना। आप बताइए। कलवाही प्रखंड से हैं, राम बाबू साहब। हाँ, किनका भाषण सुनेंगे आप? राहुल गांधी। और बताइए, आप बताइए क्या नाम हुआ? सुधीर राम। बताइए सुधीर राम। हम लोग राहुल गांधी को भाषण सुनने के लिए आए हैं इतना दूर से कि कांग्रेस पार्टी का जो महान नेता है वो क्या इस देश के प्रति सोचन शक्ति है, उसका क्या करना चाहते हैं देश के आगे बढ़ाने के नेतृत्व में, हम लोग वही उनके भाषण सुनने के प्रयास में जागरूक। किस पार्टी से हैं आप? हम लोग कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से? ये तमाम लोग जितने हैं सब कांग्रेस पार्टी के? हम उपेंद्र कुशवाहा, हम उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, समझे ना। अच्छा, हम उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से तो कल तो लाठी चार्ज हुआ था। लाठी चार्ज हुआ है, उसी का जवाब देने के लिए इतना भीड़ आया है ना। अच्छा, महागठबंधन में आया है, नीतीश जी को जो है तकलीफ है कि हमारा वोट बैंक खिसक गया है कुशवाहा का, इसलिए तो हम लोग उसको जवाब देने के लिए आए हैं। जवाब मिल जाएगा इस बार का महारैली के से उसको। तो आप लोग जितने लोग जत्था जो आए सब उपेंद्र कुशवाहा के हैं क्या? नहीं, सब नहीं, और कांग्रेस दूसरे भी दल के है। आप बताइए कहाँ से आप? बिहार शरीफ। किस पार्टी से हैं आप? कांग्रेस। क्या सुनने आए हैं? राहुल गांधी का भाषण सुन के। राहुल गांधी का भाषण। और बताइए क्या नाम हुआ? जीतन जाधव। आप बताइए किस पार्टी से हैं? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का पार्टी से। क्या सुनना चाह रहे हैं?
इसको बात विचार अच्छा है, बहुत नीक नेता है, इस द्वारे आए हैं हम लोग देखने के लिए। बहुत नरेंद्र मोदी भी तो काम किया है ना, कुछ नहीं किया है ये, अभी जो भी किया से गलत किया है। भाषणबाजी, हाँ भाषणबाजी, केवल भाषणबाजी किया, काम कुछ नहीं किया गरीब को हित में। सर गरीबों के हित में जो है सो कुछ अपेक्षा हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि जो भी है सो अभी देख लीजिए, अभी ये पप्पू जी आ रहे हैं, राहुल बाबा। राहुल बाबा कौन, पंडित जी हैं क्या कोई? नहीं, पप्पू जी हैं। पप्पू जी कौन है? राहुल बाबा जी। अच्छा, पप्पू जी और राहुल बाबा एक ही होते हैं क्या? जी जी। अच्छा 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 अच्छा, और बताइए आप। चलो चले चले चल जाए अपना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जन आकांक्षा रैली जो है, महारैली, और तमाम दूर दराज से यहाँ पर जत्था आ रहे हैं।